नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्ट उपाध्याय। चुनावी यात्रा दिल्ली में हमारे वीके न्यूज के लगातार कवरेज कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमसे एक बाबा मिले हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से एक तरफ पूरे देश में CNRC को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है, लोग सड़कों पर हैं, उपद्रव किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, और बाबा भी वहीं से बिलोंग करते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश से, जहाँ पिछले दिनों बहुत ही आगजनी देखने को मिली थी और काफ़ी भारी तादाद में जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया था। क्या वाकई ये संवैधानिक तरीका है अपनी बात रखने का, या फिर कुछ और किया जा रहा है? बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीके न्यूज में। बेटे, ऐसा है, ये जो है वैसे जो हो रहा है ये अच्छा है, गलत नहीं है। अब ये भड़का दिया है पब्लिक के लिए, तो उनके दिमाग में कुछ गलत होगा, लेकिन जो कानून लागू हो रही है इसमें सबको, हमें और आपको सबको ही फायदा है, कोई भी गलत नहीं है बेटा, है नहीं। अब ये भड़काने से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। और सब अपने ही बच्चे हैं और एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं बेटा, और जाति बात तो एक बना दी है काम धंधे के लिए। जाति कहाँ है? कोई जाति नहीं है बेटा, सब एक ही बाप की औलाद है और सबका बाप एक ही है। रास्ता बदल दिया है, है नहीं बेटा? मैं तो आप देख रहे हैं पिछले दिनों अभी कई खबरें आई हैं कि भाई हिंदुओं की कब्र खुदेगी, AMU की धरती, मतलब ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, आज़ादी चाहिए, आज़ाद भारत में, क्या चाहते हैं लोग? बेटा, मैंने क्या बताया, ये सब कम दिमाग की बातें हैं, और जो समझदार लोग हैं वो कभी ना झगड़ा करते हैं, नहीं लड़ते हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, भोलेनाथ का नाम ले रहे हैं, मुसलमान हैं वो अपने अल्लाह को चाह रहे हैं, सब धर्म अपने अपने हिसाब से रह रहे हैं। जो समझदार लोग हैं वो कभी घपला नहीं करते हैं, और जो मूर्ख हैं वही बेटा झगड़ा करते हैं, वही भड़काते हैं, वही सबको विनाश करवा रहे हैं। तो आपको लग रहा है बाबा, जिस तरीके से CNRC को लेकर उपद्रव किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर और CM योगी ने कड़ा एक्शन लिया, उसके बाद देख रहे हैं कि मतलब रहम की भीख मांग रहे हैं लोग, तो वाकई ये जो एक्शन है वो ठीक है? वो तो ठीक है बेटा, किसी का नुकसान करना, किसी को मारना, अगर उनको सजा नहीं दी जाएगी तो कैसी ये जनता सुधरेगी? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हमारे योगी जी, गलत नहीं कर रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। बात ये जाती है, बात ली जाती है, बोला जाता है, बैठा जाता है, बतलाया जाता है, ये तो नहीं होता किसी को मार रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं, ये नहीं होता। ये चीज़ से बेटे हम खिलाफ रहते हैं। वैसे आप जल्लूस लगा रहे हैं, सावधान रहें, मीटिंग करें, बैठक करें, मारना तोड़ना आगे लगाना किसी का नुकसान करना गरीब आदमी का, बोलो ये तो अच्छी बात नहीं है। उसको भी तो देखो जिसको रोटी नहीं मिल रही है खाने को, मेरे लाल ऐसा ऐसा इंसान पृथ्वी पड़ा हुआ, रोटी नहीं मिल रही है खाने को। संत बेटे ऐसे ऐसे पड़े हैं जिनको भोजन भी नहीं मिल रहा है, रहने को जगह नहीं है, तो अब संपत्ति को जला रहे हो, गाड़ी घोड़े जला रहे हो, किसी गरीब आदमी मोटरसाइकिल जला रहे हो, कोई बेचारा नौकरी करने जा रहा है उसको जला दिया, उसने मोटरसाइकिल ले ली बेचारे ने जोड़ करके 5,000 की, तो ये बेटा नुकसान किसी का करना ये अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि बाबा, एक तरफ देखो देश में लोकतांत्रिक तरीके से सबको जनता चुनती है और चुन करके संसद भेजती है या फिर विधानसभा भेजती है, लेकिन विपक्ष भी एक मजबूत के तरीके से अपनी भूमिका निभाए, सकारात्मक तरीके से रवैया अपनाए, लेकिन इन दिनों विपक्ष जो दिख रहे हैं आप, रवैया क्या वाकई ठीक है विपक्ष का, जो इन दिनों काम कर रहा है विपक्ष? बेटे, मैं विपक्ष की क्या बात करूँ, ये पढ़े लिखे लोग हैं, सब नेतागिरी कर रहे हैं, अब ये एक दूसरे को गाली बकते हैं, एक दूसरे को नेताओं को गलत बोलते हैं, तो ये तो इन लोगों के लिए अच्छा नहीं है ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए लोगों के लिए। एक दूसरे नेताओं को गाली देते हैं और ये सब पढ़े लिखे डिग्री करे हुए नेता हैं बेटा, और बात ऐसी करते हैं जैसे कोई बिना पढ़ा बेचारा बच्चा बात करता है, ऐसे ये नेता लोग बात करते हैं, ये इनके लिए शोभा नहीं देता। इन लोगों के लिए गाली नहीं बकना चाहिए आपस में, सब पढ़े लिखे नेता हैं, डिग्री करे हुए, कोई वकील है, कोई कैसा भी है, और एक दूसरे को बड़ी भयंकर गाली बकते हैं बेटा, हमको तो बड़ा शर्म आती है। इनकी TV में सुनते रहते हैं तो हम कहते हैं बताओ, ये रक्षा करने वाले नेता लोग ऐसी गाली बकेंगे एक दूसरे के लिए, तो जनता क्या करेगी? आपने देखा होगा राहुल गांधी का भी रवैया, देख लिया होगा आपने के चुनावी सभाओं में, बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, फिर भी एक तरीके से देखा होगा राहुल गांधी जी, आप देखते हैं बेटा, बुराई मैं किसी की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये सब पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे को उचित बोलते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। सम्मान से बोलो, चुनाव लड़ो, कुछ भी करो, लेकिन किसी को गलत मत बोलो, सब अपने बच्चे हैं और सब इस धरती पर रहने वाले सब अपने हैं, कोई अपने दुश्मन कहाँ है, सब अपने ही हैं, प्रेम से रहना चाहिए, चुनाव अपनी जगह है, बात अपनी जगह है। अब योगी जी की एक सवाल मेरा ये भी है कि
आप मुरादाबाद से आते हैं और आप जो है मंडल प्रभारी भी हैं। हाँ, मैं विश्वेंद्र वाणी का मंडल प्रभारी भी हूँ। विश्वेंद्र वाणी जो कि योगी जी ने ही खुद बनाई थी, योगी जी की पार्टी का मैं मंडल प्रभारी हूँ। तो लेकिन इन दिनों क्या योगी जी ने जो देख रहे हैं आप, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, सख्ताई कड़ी सख्ताई क्या आपको नजर आ रही है कुछ? नहीं, उनका तो काम हमको ठीक सब नजर आ रहा है, लेकिन हल्के हल्के सब होगा। जैसे बहुत पीछे था उत्तर प्रदेश, सब बहुत सही चल रहा है, अब एकदम तो बेटा सुधार हो ही नहीं जाता है। देखिए कानून व्यवस्था जिस तरीके से आप, वो सब ठीक चल रही है। और बेटा थोड़ा गलत भी होता है, गलत लोगों को लिए गलत दिखाई देती है, सही लोगों को सही दिखाई देती है। जो शरीफ है उसके लिए कोई कानूनी जरूरत नहीं है, शरीफ के लिए ना कोई थाना चाहिए ना कोई अदालत चाहिए, जो शरीफ है, और गलत के लिए तो सब चीज चाहिए। तो शरीफ के लिए तो हर चीज अच्छी है बेटा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अपना खाओ कमाओ मौज लो बेटा, है नहीं? परचम मेरा परचम महंत दयानंदपुरी श्रीपंत दसराम जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा जी, तो महाराज जी जूना अखाड़े के संत हैं और अपनी बात उन्होंने जाहिर की NRCCA और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि अपनी बात को संवैधानिक तरीके से शांति प्रिय रखे थे, रखा जा सकता है, समाधान भी निकाला जा सकता है, लेकिन हिंसा या आगजनी करके तोड़फोड़ करके उसका कोई भी समाधान नहीं है। कैमरामैन उमाकांत उपाध्याय के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, VK News दिल्ली।